तो उसे कुछ शक हुआ तो उसने कहा कि मैं अब तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे सारे गहने लूंगा, तुमने चोर से शादी की है, मेरे मन में चोरी का जो काम है वो जाता नहीं है। तो उसने कहा कि भाई मैं तो सब तुम्हारी हूं और गहने भी तुम्हारे हैं, तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता है, मगर वो सुनता नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं, मुझे एक बार अपने गले से लगने दो और उसके बाद तुम मुझे मार देना। क्योंकि वो पचुपन्न मती थी, पचुपन्ना मती का मतलब होता है धम्मपद गाथा कथा नंबर 102-103 ये सहस वर्गों की गाथा है, कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी गाथा है, कथा है। राजगृह के अंदर, जिसको हम राजगृह बोलते हैं या राजगीर या राजगृह, एक बहुत बड़ा सेठी था, बहुत पैसे वाला। उसकी एक बहुत सुंदर भद्दा नाम की कन्या थी। भद्दा जो शब्द है, अभी तो हम कहते हैं कि भद्दा बेकार है, मगर भद्दा का मतलब होता है जैसे भद्र पुरुष होता है, यानी कि भद्दा का भद्र बना, भद्द का भद्र बना। और ये शब्द अपने मायने दोनों रखता है आज की डेट में, बहुत अच्छा भी जिसको कहते हैं भद्द पुरुष है या भद्र पुरुष है, और भद्दा भी जो बेकार बोलते हैं। पुराने समय में इसका मतलब बहुत अच्छा होता था, भद्दा मतलब बहुत अच्छा। तो भद्दा नाम की उसकी बेटी थी, बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे बहुत ज्यादा थे। वो मकान के ऊपर के हिस्से में रहती थी। उसने एक दिन मकान के ऊपर के हिस्से से देखा कि कुछ जो देश के कर्मचारी हैं, राजा के कर्मचारी हैं, वो एक व्यक्ति को पकड़ के ले जा रहे हैं और वो चोर है। उसका नाम बाद में सत्तुक बताया गया, सत्तुक। सत्तुक बड़ा ही सुंदर और हैंडसम था। उस पर वो मोहित हो गई, राग हो गया उससे और लगाव हो गया। उसने अपने पिता से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूं, और यहां तक राग में आ गई उसको देखते ही कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना करूंगी नहीं। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि बचपन से जो भी आप छवि मन में बनाते हैं, चाहे पुरुष हैं या स्त्री हैं, किसी भी चीज की, चाहे वो स्त्री की या पुरुष की या किसी कार की या वस्तु की या खाने की या पीने की या सूंघने की या घूमने की या फिरने की, और वो आपकी मन के अंदर लगातार रिपीट होती रहे, तो वो फाइल बहुत बड़ी बन जाती है, वो डिमांडिंग हो जाती है। और जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो वस्तु सामने हो तो सारी फाइलें एक्टिवेट हो जाती हैं, तब राग एक साथ बाढ़ की तरह आता है, यानी कि पूरे शरीर में झंझराहट होती है, बस वो चाहिए 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 और उसके अलावा कुछ नहीं। वही उसकी स्थिति हुई भद्दा की। तो उसको वो जो सत्तुक है वो इतना पसंद आया, उसका जो चेहरा था वो कहीं उसके मन मस्तिष्क में पहले बचपन से छपा हुआ था, जो मैच कर गया। उसके पिता को अपनी पुत्री बहुत प्यारी थी। उसने साम दाम दंड भेज का इस्तेमाल करते हुए, पैसा देते हुए उस चोर को छुड़ा लिया। चोर को छुड़ाने के बाद में उसको घर लेके आए, उसको नहलाया धुलाया, उसको बताया कि उसकी पुत्री शादी करना चाहती है, वहां उसकी शादी उससे हुई। शादी होने के बाद चोर के मन में चोरी नहीं गई, हालांकि भद्दा को बहुत पैसा और बहुत गहने और बहुत सुख सुविधा थी, मगर चोर अपनी नीयत से या जो चोर का उसका देश लगा हुआ था, जो राग था उसको, वो नहीं गया। और उसके मन में आया कि भद्दा के सारे कपड़े और गहने चुरा के बेच दे और ऐश करे जिंदगी में, इतनी उसको समझ थी। तो वो भद्दा को घुमाने के लिए एक पहाड़ पे ले गया, जहां से पहाड़ से कूद के लोगों को मारा जाता था, जो अपराधी लोग होते थे। तो उसने कहा कि मैंने जब मुझे लेके जा रहे थे तो वहां मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं बच गया तो उस पहाड़ में जाके मैं एक बार देख के जरूर आऊंगा, तुम मेरे साथ चलो, मैंने ऐसा सोचा। पत्नी उसकी जो भद्दा थी प्यार में पागल थी और वो उसके साथ चल दी। उसने कहा कि अपने सारे कपड़े गहने वगैरह पहन लो। उसने कहा किस लिए? उसने कहा पहन लो, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में वहां देखना चाहता हूँ। प्यार में अंधी थी इसने सारे गहने वगैरह पहन लिए, और जो लोग उसके साथ चल रहे थे वो भी उसको वहां छुड़वा दिया उसने कि हम अकेले ही जाएंगे। और वहां जाके पहाड़ पे उसको कुछ शक हुआ भद्दा को कि ये पहाड़ पे लेके आया, यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं, ये तो पहाड़ खराब पहाड़ है, नेगेटिव पहाड़ है, यहाँ तो राजा दंड देता है, जो दंड के लिए लोग आते हैं।
तो उसे कुछ शक हुआ तो उसने कहा कि मैं अब तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे सारे गहने लूंगा, तुमने चोर से शादी की है, मेरे मन में चोरी का जो काम है वो जाता नहीं है। तो उसने कहा कि भाई मैं तो सब तुम्हारी हूं और गहने भी तुम्हारे हैं, तुम्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता है, मगर वो सुनता नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं, मुझे एक बार अपने गले से लगने दो और उसके बाद तुम मुझे मार देना। क्योंकि वो पचुपन्न मति थी, पचुपन्ना मति का मतलब होता है कि तुरंत प्रेजेंट में जो बुद्धिमान होते हैं, यानी कि स्थिति को तुरंत समझ के और उसके हिसाब से जजमेंट ले लेते हैं। तो अपनी मुस्कुराहट के साथ में उसने उसके गले लगी और धक्का देके उसको पहाड़ के नीचे फेंक दिया। सत्तुक पहाड़ के नीचे से गिर गया और मर गया। मरने के बाद वो नीचे जाके उसने उसकी लाश को देखी, उसको मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, तो उसके मन से सारा राग चला गया। मनुष्य के प्रति, प्यार के प्रति, गहनों के प्रति, जीवन के प्रति जो राग था वो एक साथ चला गया उसको मरते हुए देख के। क्योंकि कहां तो वो प्यार में इतनी ज्यादा पागल थी और कहां वो उस व्यक्ति की लाश देख रही, अपने हाथ से उसको मारा है। तो वो घर नहीं गई और उसने अपने बाल कटा के और वहां जो निकटनाट एक समुदाय होता था उस समुदाय में जाके वो सन्यासी साध्वी बन गई। बनने के बाद वहां जो शिक्षा और जो पढ़ाया जाता था, जो दीक्षा होती थी, वो सीखने लगी। दिमाग की बहुत तेज थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत अच्छा था, जो उसे पढ़ाया वो सीख गई। सीखने के बाद वहां जितना पढ़ा उसने, उसके बाद आगे कुछ था नहीं, उसको कुछ शांति नहीं मिली। उसको लगा कि अभी कुछ बाकी है, मुझे अंत नहीं मिला, संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला। ऐसा सोच के वो जगह जगह जाने लगी। उधर उसके जो बाल कटे थे वो बाल निकल आए बाहर छोटे छोटे, तो वो कुंडल हो गए। कुंडल का मतलब है गोल हो गए, तो उसका नाम कुंडल केसा पड़ गया। कुंडल माने चक्र होता है और केस माने केस यानी बाल, हेयर हो गए, तो कुंडल केसा। तो कुंडल केसा जगह जगह घूमती थी और अपने हाथ में एक जामुन की टहनी रखती थी। भारत को जम्बूद्वीप बोला जाता है, जम्बूद्वीप इसलिए बोला जाता है कि यहाँ जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा रहे। तो जामुन की टहनी वो अपने हाथ में रखती थी, एक शाखा एक ब्रांच, और वो किसी गांव या नगर के बाहर जाके उसको गाड़ देती थी और ऐलान करती थी कि मुझसे जो भी तर्क करना चाहता है, तर्क वितर्क करना चाहता है धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, वो कर सकता है। अगर मैं हार गई तो यहां से चली जाऊंगी, जो शर्त उसकी होगी, और अगर मैं जीत गई तो फिर वो मुझे मान्यता देगा। ऐसे करती हुई अपना पताका घुमाती हुई वो चारों तरफ घूम रही थी। एक नगर के बाहर जब उसने ये जामुन की जो टहनी है, जामुन की जो शाखा है वो गाड़ी, तो वहां सारी पुत्र जा रहे थे चारिका करते हुए, धम्मचारिका पिंडचारिका। तो उन्होंने देखा कि बच्चों का हुजूम जुड़ा हुआ है, उन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जम्बू आई थी, अब उसका नाम केस कुंडल केसा से जम्बू भी पड़ गया। जम्बू इसलिए पड़ गया क्योंकि वो जम्बू की जामुन की टहनी साथ रखती थी। तो उन्होंने बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे जम्बू आई थी और जम्बू ने यह कहा है कि जो उसको तर्क शास्त्र में तर्क करके हरा देगा वो उसकी मान लेगी और वो चैलेंज है, यानी कि वो चुनौती है। तो वो कहते हैं कि बच्चों इसको उखाड़ के फेंक दो। तो सारी पुत्र ने कहा, तो बच्चों ने उखाड़ के फेंक दिया और कह देना कि सारी पुत्र आए थे, उन्होंने उखाड़ के फेंकवा दिया और चारिका करने चले गए। उधर वो जम्बू आई, कुंडल केसा आई, तो उसने पूछा किसने उखाड़ा। तो बच्चों ने बताया कि वो सारी पुत्र ने उखाड़ा है, जो भिक्कू है। वो वहां बैठ के इंतजार करने लगी। सारी पुत्र अपना चारिका करते हुए आए, लोग सारे वहां इकट्ठे हो गए कि सारी पुत्र का और जम्बू का, कुंडल केसा का आज तर्क होगा, वाद विवाद होगा, धर्म के बारे में चर्चा होगी, सुनेंगे। कुंडल केसा ने जितने भी प्रसंग किए सारी पुत्र से, सारी पुत्र ने अभिधम्म के, क्योंकि अभिधम्म के तो वो मास्टर रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, भगवान बुद्ध के बाद सारी पुत्री हैं जो अभिधम्म को अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते थे और जान सकते थे। तो सारी पुत्र ने सारे अभिधम्म के आधार पर सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए कुंडल केसा के। और जब सारी पुत्र ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो कुंडल केसा के पास अभिधम्म के सवालों के जवाब नहीं थे। गूढ़ रहस्य है, यही तो वो जानना चाहती थी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई, उसने कहा कि आप, मैं तो जानती नहीं इनके आंसर, इनके सवालों के जवाब, आप मुझे बताइए कि ये क्या है। तो उसने कहा कि, सारी पुत्र ने कहा कि ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अनुभव के आधार पर ज्ञान होगा। दरअसल ये जितना भी है ये ऐसा ज्ञान नहीं है जो बता के समझ में आ जाए, आपको अनुभव करना पड़ेगा, विपसना साधना करनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं विपसना साधना करने को तैयार हूं, तब करने को तैयार हूं। तो उसने कहा इसके नियम है विनय के, आपको पहले वो नियम मानने पड़ेंगे। तो कुंडल केसा ने कहा, जम्मू ने कहा कि मैं नियम मानने को तैयार हूं, क्या करना है। तो सारी पुत्र ने भिक्कुड़ी संघ में उनको भेजा और वहां भिक्कुड़ी संघ ने उनको पवज्जा दी और फिर वहां वो पवज्जा लेने के बाद में भिक्कुणी बनी,
भिखुड़ी बनने के बाद उसने साधना तपस्या करनी शुरू की, विपस्ना करनी शुरू की। विपस्ना क्योंकि वो पहले भी बहुत ज्यादा उत्सुक थी, उसका जो जो मस्तिष्क था वो बहुत अच्छा काम करता था, मन बहुत बढ़िया था, तो वो जल्दी ही अरहंत हो गई। वो जल्दी ही आई और अरहंत हो गई, ये बात उत्सुकता का विषय बन गई भिक्खु संघ में, भिक्खुड़ी संघ में। तो भिक्खुड़ संघ ने और भिक्खु संघ ने पूछा भगवान से कि भगवान ऐसे कैसे हुआ कि वो अभी आई और अभी इतनी जल्दी अरहंत भी हो गई, निर्वाण भी प्राप्त कर लिया, अमृत पद भी चख लिया, अमृत भी चख लिया, अमर भी हो गई, क्या बात हुई ऐसी। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथाएं कही, गाथा नंबर 102 और 103। यो चे गाथा सतंग भासे अनथ पद संहिता एकं धम्म पदं सयो यं सुत्वा उपसम्मति। यो चे गाथा सतंग भासे, यो माने जो, चे माने और, गाथा माने जो गाथा धम्मपद की, जो हम इनको हम दोहे बोलें या वर्सेस बोलें या जिनको हम चौपाई बोलें या तिपाई बोलें या तुपाई बोलें या पद बोलें या जिनको हम आर्टिकल बोलें या जिनको अनुच्छेद बोलें, कोई भी नाम इनको दे सकते हैं, या जो जैसा भी है या स्टेंजा बोले, इन सबको गाथा बोला गया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं जो भगवान बुद्ध ने कही, दो लाइन है उससे मतलब है। यानी जो और ये जो गाथा है सतंग भाषे, यानी कि कोई 100 जो गाथा है उनको भाषे, भाषे का मतलब है भाषण करे, बताए, बोले। कोई यदि 100 गाथाओं का भाषण करे अनर्थ पद संहिता, अनर्थ पद संहिता का मतलब है अनर्थ पद संहिता, संहिता माने ग्रंथ होता है, किताब होती है या इकट्ठा किया हुआ संग्रह। यानी कि कोई 100 पदों का जिसमें कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, ऐसा कोई वाचे, भाषण दे, बोले। एकं पदंग सेयो, तो उससे एक पद अच्छा है। एकं पदंग सेयो माने श्रेष्ठ है, अच्छा है, एक पद श्रेष्ठ है। चे सुतवा उपसम्मति, यंग सुतवा उपसम्मति, यंग माने जो, सुतवा माने सुनकर, और उपसम्मति का मतलब है सबको सम्मति, सबको सम्मति माने सबको सबको शांति, जो शांति दे, किसको शांति दे, राग को, द्वेष को, मोह मुद्रा को, अंदर की जो ये आवाज है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, या अंदर की ये आवाज है कि मुझे नहीं चाहिए, द्वेष की नहीं चाहिए, या कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, यानी जो मोह मूर्ता होती है जिसको आज के समय में मूर्ता भी कहते हैं, इन तीनों से जो आजाद हो जाए, तीनों को जो शांत कर दे, ऐसा एक पद ही अच्छा है। यही उसने किया कि वो एक बात को पकड़कर और उसी के सहारे सहारे चलती हुई अरहत हो गई। उसने पूरा जो मैं बताता हूं जो व्याख्या है उसको समेटने की कोशिश नहीं की। यहीं पे इसी में गाथा नंबर 103 है। यो सहसंग सहसेन संगामे मानुषे जिने एकं चे जे मत्तानं सैवे संगाम जुत्तमो। यो सहसंग सहसने, यानी जो हजारों को हजारों से, यानी हजारों हजार या हजारों को हजारों से, संगामे मानुषे जिने, संगामे मानुषे जिने का मतलब है, संगामे का मतलब है, वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं जो गांव में घूमता है, इसका संघर्ष से मतलब है। यहाँ जो संग्राम होता है, संग्राम मतलब जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं मन को साफ करने की, वो संग्राम है। वो संग्राम नहीं है जो आप समझे कि इसमें युद्ध हो रहे हैं, तलवार खिंच रही है, उसके उदाहरण इसमें नहीं है। संगामे मानुषे जिने, यानी कि जो मनुष्य अपने मन के अंदर को जीतने के लिए, मनुष्य का मतलब है मन को जीतने के लिए, जो हजारों हजार तरह के जो युद्ध किए जा रहे हैं, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, किसी ने बाल बढ़ा लिए हैं, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई पानी के ऊपर खड़ा है, कोई कम खा रहा है, कोई घास की नोक से खाता है, कोई सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, कोई चंद्रमा की तरफ मुंह करके खड़ा है, किसी ने अलग तरह का प्रण किया हुआ है, कोई मौन धारण करके बैठा हुआ है, तो कोई बोले जा रहा है, किसी ने मूछ कटा ली है तो कोई मूछ बढ़ाए जा रहा है, किसी ने कपड़े छोड़ दिए हैं तो कोई कपड़े पहने जा रहा है। ये जो हजारों हजार तरह के प्रकार के जो संग्राम है, यानी स्वयं में जो आप युद्ध कर रहे हैं और मन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। एकंग चे जे मत्तान, एकंग जैंग चे मत्तान का मतलब है जीतने योग्य अपने को, यानी एक ही जीतने योग्य अपने को, सैवे संग्राम जुत मनो, सैवे संग्राम ज्योति मनो का मतलब है संग्राम को जीतता है। यानी एक ही अगर उसमें से ठीक आप कर लें, पकड़ लें जो सही है, तो वो संग्राम को आपके अंदर के युद्ध को जीत लेगा और आपको शांत कर देगा। क्या मतलब है इसका, जो संग्राम यानी जो युद्ध चल रहा है
हजारों हजारों से, यानी कि हजारों हजारों समय से बोल सकते हैं, सालों से बोल सकते हैं, वर्षावास से बोल सकते हैं, जो लगातार चल रहा है, जिसको मनुष्य जीतना चाहता है, उसमें सिर्फ एक ही ऐसी बात है जिसको जीत सकता है। कैसे जीत सकता है? जो जीतने योग्य वास्तव में अपना है वही उत्तम है, यानी जिसको पकड़ के वो जीत ले वही उत्तम है। सै वे संग्राम जुत मनो, यानी सै माने वह, वे माने वास्तव में, संग्राम माने जो खुद युद्ध हुआ है, संग्राम हुआ है। जुत मनो का मतलब है जीतने में उत्तम है। तो ये इसका मतलब हुआ। मतलब हम हजारों हजार प्रकार के या हजारों हजार समय से इतना प्रयत्न कर रहे हैं अपने आप को जीतने के लिए, स्वयं के संग्राम को जीतने के लिए, स्वयं के गांव को जीतने के लिए संघर्ष चल रहा है एक तरह से, और हम जीत नहीं पा रहे हैं। उसमें हजारों प्रकार अपने अपनाए हैं, अगर एक सही प्रकार हम अपना लेंगे तो वो हमारे जीतने के लिए बहुत अच्छा होगा, उत्तम होगा, जिससे हम अपने आप को वास्तव में जीत लेते हैं। यही किया जो केश कुंडला थी उसने, उसने हजारों हजार जो प्रकार थे उनको सबको छोड़ दिया और सिर्फ एक बात उसने पकड़ी और उस बात को पकड़ते पकड़ते वो अरहंत हो गई। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.